अब आगे 5.1 प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वान्तर ज्ञात कीजिए और इसके तीन और पद लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन के 15 भाग हैं, 15 के 15 भागों को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या करना है, पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, और यदि एपी है तो उसका सार्वान्तर लिखना है और उसके आगे तीन पद और लिखने हैं। तो पहले पार्ट में जो सूची दे रखी है वो 2, 4, 8, 16 ये दे रखी है। तो यहाँ एपी है या नहीं ये चेक करने के लिए a2-a1 देखें कितना है, 4-2, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 2 आएगा, फिर तीसरे में से दूसरा पद, तीसरा पद कितना है 8 और दूसरा पद कितना है 4, ये कितना आ गया 4। तब देखिए कि लगातार पदों का अंतर देखिए बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये एपी भी नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे a2-a1 बराबर नहीं है a3-a2 के, इसलिए दी गई सूची एपी नहीं है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें दिया है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। इसे एपी है या नहीं ये चेक करने के लिए हम दूसरा पद माइनस है पहला पद a2-a1, a2 क्या है, दूसरा पद क्या है 5/2 और a1 अर्थात पहला पद क्या है 2, 5/2 ढाई होता, ढाई में से 2 घटेगा क्या बचेगा आधा बचेगा। a3-a2 तीसरे पद में से दूसरा पद, तीसरा पद है 3 में से दूसरा पद है 5/2, 3 में से ढाई घटेंगे ये भी कितना बचेगा 1/2। फिर चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद है 7/2, 3 से 1/2 बनेगा यानी 3.5 बनेंगे, 3.5 में से 3 माइनस करेंगे यहाँ पर भी क्या बचेगा आधा, इसको 7/2 भी लिख सकते हैं कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रत्येक बार a k+1 - a k समान है, इसलिए दी गई सूची एक एपी है। अब इसके अगले तीन पद, कौन कौन से हो जाएंगे, 7/2 + 1/2, 2 एलसीएम आ जाएगा और 7+, देखिए सेम है तो 7+1 = 8, 8/2 कितना हो गया 4, और 4+1/2, 4 × 8 = 9/2 तथा 9/2 + 1/2, तो 9+1 = 10/2 यानी आ जाएगा 5। इसलिए अगले तीन पद यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसलिए अगले तीन पद बराबर 4, 9/2 और 5। अब थर्ड पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का ही, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। तो ये एपी है या नहीं ये हमें चेक करना है। यहाँ पर a2-a1
ए टू माइनस 3.2 है और ए वन माइनस 1.2 है। माइनस 3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2, तो ये जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा -2। इसी तरह से ए थ्री माइनस ए टू करेंगे, -5.2 माइनस में -3.2, -5.2 ये माइनस गुणा माइनस प्लस 3.2, ये भी -2 आएगा। ए फोर माइनस ए थ्री, तो ए फोर कितना है -7.2, ये वाला माइनस, ए थ्री, ए थ्री है -5.2, -7.2 प्लस 5.2 यह आएगा -2। अब देखिए कि यहाँ कि अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, इसलिए ये क्या है कि एपी है। यहाँ डी बराबर ए के प्लस 1 माइनस ए के, प्रत्येक बार समान है, इसलिए दी गई सूची ए के पी है। तो यहाँ डी बराबर कितना आ गया, -2। और क्या लिखना है, अगले तीन पद लिखने हैं। अगले तीन पदों के लिए -7.2 प्लस में -2, ये आ जाएगा -9.2 और -9.2 प्लस में फिर सारा अंतर ऐड करेंगे तो -11.2 तथा -11.2 प्लस में -2 -13.2। ये अगले तीन पद इसके हो जाते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। पहला पद -10, सार्वंतर -6 -10, तो -6 प्लस 10 ये कितना आएगा, 4। तो इसको सिंपल इस तरीके से निकाल लें कि ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन 4। इसी तरह से ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री कितना, तीसरा पद -2 है और दूसरा पद माइनस का 6। -2 प्लस 6 ये भी कितना आया, 4। ए फोर माइनस ए थ्री, 2 माइनस -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 प्लस 2 कितना है, 4। अब देखिए कि ये भी क्या है, हर बार लगातार पदों का अंतर समान है, इसलिए ये एक एपी है। तो ये सेम टू सेम लाइन आपने यहाँ करनी है और यहाँ डी बराबर कितना आएगा, 4। तो अगले तीन पद, अगले तीन पद होंगे 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10 और 10 प्लस 4 14। अब फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखिए, यहाँ पर हमें ये सूची दे रखी है, इसमें से हमें पहचानना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसका सारा अंतर लिखना और अगले तीन पद लिखने हैं।
तो पांचवें पार्ट में सूची दे रखी है तीन, तीन प्लस वर्गमूल दो, तीन प्लस दो वर्गमूल दो, तीन प्लस तीन वर्गमूल दो एंड सो ऑन। तो यहाँ वर्गमूल को देख के घबराना नहीं है। देखिए एपी चेक करने के लिए प्रोसीजर अपना सेम है। ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है तीन प्लस वर्गमूल दो, माइनस ए वन तीन, प्लस का तीन और माइनस का तीन जीरो हो जाएगा, ये क्या बचेगा वर्गमूल दो। अब ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री कितना है तीन प्लस दो वर्गमूल दो, माइनस तीन प्लस वर्गमूल दो, तीन प्लस दो वर्गमूल दो, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस तीन माइनस वर्गमूल दो, ये प्लस का तीन ये माइनस का तीन जीरो हो जाएगा। अब दो वर्गमूल दो में से एक वर्गमूल दो घटेगा, दो में से एक गया एक और वर्गमूल दो, यानी एक वर्गमूल दो को हम लिखेंगे वर्गमूल दो। आगे ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर कितना है तीन प्लस तीन वर्गमूल दो, माइनस ए थ्री कितना है तीन प्लस दो वर्गमूल दो, तीन प्लस तीन वर्गमूल दो, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस तीन माइनस दो वर्गमूल दो, प्लस का तीन माइनस का तीन कैंसिल, तीन में से दो गए एक और एक वर्गमूल दो। तो यहाँ हर बार देखिए अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो वही लाइन लिखेंगे यहाँ प्रत्येक बार ए के प्लस वन माइनस ए के बराबर वर्गमूल दो है, इसलिए दी गई सूची ए पी है, तथा सारव अंतर कितना है वर्गमूल दो है। अब अगले तीन पद, अगले तीन पद देखिए तीन प्लस तीन वर्गमूल दो में एक वर्गमूल दो और ऐड कर देंगे, तीन और एक चार, यानी ये आ जाएगा तीन प्लस चार वर्गमूल दो। अगला तीन प्लस चार वर्गमूल दो में एक वर्गमूल दो और जोड़ दें, क्योंकि सारा अंतर जोड़ते जाना हमने, तीन तो यूँ का ही रहेगा, चार वर्गमूल दो और एक वर्गमूल दो, चार प्लस एक पाँच होता है पाँच वर्गमूल दो, तथा तीन प्लस पाँच वर्गमूल दो में एक वर्गमूल दो और जोड़ देंगे तो तीन प्लस पाँच और एक छः वर्गमूल दो। तो ये अगले तीन पद आ गए। अब इसका छठा पार्ट देखिए, छठे पार्ट में हमें सम दिया है जीरो दशमलव दो, जीरो दशमलव दो दो, जीरो दशमलव दो दो दो, जीरो दशमलव दो 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 दो, यहाँ ए टू माइनस ए वन, जीरो दशमलव दो दो माइनस जीरो दशमलव दो, ये घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास जीरो दशमलव जीरो दो, और ए थ्री माइनस ए टू तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो जीरो दशमलव दो 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 माइनस दूसरा पद जीरो दशमलव दो दो माइनस करेंगे तो ये बचेगा जीरो दशमलव जीरो जीरो दो। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो ए टू माइनस ए वन बराबर नहीं है ए थ्री माइनस ए टू के, इसलिए दी गई सूची ए पी नहीं है। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन का सेवन्थ पार्ट है, सेवन्थ पार्ट में हमें दिया है जीरो माइनस फोर माइनस एट माइनस ट्वेल्व एंड सो ऑन। इसे चेक करने के लिए के पी है यानी ए टू माइनस ए वन कितना आएगा माइनस चार माइनस में जीरो,
ये आ गया माइनस चार, ये थ्री माइनस ए टू, माइनस आठ माइनस में माइनस चार, तो माइनस आठ माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस आठ प्लस चार, तो ये माइनस चार आ गया। ए फोर माइनस ए थ्री, माइनस बारह माइनस आठ, माइनस बारह प्लस में आठ, ये भी माइनस चार आ गया। तो यहाँ हर बार अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, समान अंतर है, तो ये क्या है, ए पी है। तो वही लाइन लिखें यहाँ, प्रत्येक दशा में ए के प्लस वन माइनस ए के बराबर माइनस चार है, इसलिए दी गई सूची ए पी है। और सारावंतर कितना होगा, सारावंतर डी पूछ रखा था, बता दीजिए माइनस चार होगा। और अगले तीन पद भी इसके लिखने हैं, तो अगले तीन पद माइनस बारह प्लस में माइनस चार, माइनस के सोलह, माइनस सोलह प्लस में माइनस चार, माइनस बीस, तथा माइनस बीस प्लस में माइनस चार, माइनस चौबीस। अब इसका एट्थ पार्ट देखिए, माइनस एक बटे दो, माइनस एक बटे दो, माइनस एक बटे दो, और माइनस एक बटे दो, एंड सो ऑन। तो यहाँ ए टू माइनस ए वन करेंगे तो माइनस एक बटे दो माइनस में माइनस एक बटे दो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से ए थ्री माइनस ए टू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी ज़ीरो आएगा, आपने पूरा करके दिखाना है। ए फोर माइनस ए थ्री भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और फिर यही लाइन यहाँ पर दोबारा लिखनी है कि ए के प्लस वन माइनस ए के बराबर ज़ीरो है, और सारावंतर डी यहाँ कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और अगले तीन पद भी क्या आ जाएंगे, माइनस एक बटे दो प्लस ज़ीरो यानी माइनस एक बटे दो, फिर माइनस एक बटे दो प्लस ज़ीरो माइनस एक बटे दो, माइनस एक बटे दो प्लस ज़ीरो माइनस एक बटे दो। तो अगले तीन पद माइनस एक बटे दो, माइनस एक बटे दो, और माइनस एक बटे दो आएंगे। आगे नाइन्थ पार्ट देखिए, यहाँ सीरीज दी हुई है हमें एक तीन नौ सताईस एंड सो ऑन। इसे पहले चेक करेंगे कि ए पी है या नहीं। ए टू माइनस ए वन, तीन माइनस एक कितना हो गया दो, ए थ्री माइनस ए टू, नौ माइनस तीन छः, ए फोर माइनस ए थ्री सत्ताईस माइनस नौ अठारह। यहाँ देखिए ये अंतर समान नहीं है, तो हम लिखेंगे ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू विच इज़ नॉट इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री, इसलिए दी गई सूची ए पी नहीं है। अब दसवां पार्ट देखिए, ए दो ए तीन ए चार ए एंड सो ऑन। तो यहाँ देखिए ए टू माइनस ए वन, ए टू है दो ए और ए वन है ए, दो ए में से एक ए घटेगा ए बचेगा। ए थ्री माइनस ए टू, तीन ए में से दो ए घटेगा तो ये भी ए बचेगा। ए फोर माइनस ए थ्री, चार ए में से तीन ए घटेगा तो ये भी ए बचेगा। तो प्रत्येक बार क्या बचता है, ए ए। तो यहाँ प्रत्येक बार ए के प्लस वन माइनस ए के बराबर ए है, इसलिए दी गई सूची ए पी है। और यहाँ सारावंतर, सारावंतर डी किसके बराबर है, ए के बराबर है।
अब अगले तीन पद, अगले तीन पद हो जाएंगे 4a+a अर्थात 5a, 5a+a, 6a और 6a+a बराबर 7a। तो अगले तीन पद, इसलिए अगले तीन पद होंगे 5a, 6a और 7a। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन का 11th पार्ट है। a² a³ a⁴। पहले हमें देखना कि ap है या नहीं है। तो a₂ - a₁ करेंगे तो a²-a, a कॉमन लेंगे तो a-1, a³-a₂, a³-a², यहाँ से a² कॉमन आ जाएगा a-1। हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से दोनों फैक्टर क्या है, सेम नहीं है। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि दोनों जो रिजल्ट है सेम नहीं है। तो क्योंकि a₂-a₁ इज इक्वल टू a₃-a₂ इज नॉट इक्वल, क्योंकि a₂-a₁ इज नॉट इक्वल टू a₃-a₂, इसलिए दी गई सूची ap नहीं है। अब 12वां पार्ट देखिए इसका, वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 32 एंड सो ऑन। अब देखिए वर्गमूल 2, वर्गमूल 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 के देखिए ऐसे गुणनखंड बना लीजिए आप, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, जो कंप्लीट एक जोड़ा बन जाए उसको तो ऐसे ऐसे लिख दीजिए, और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको वर्गमूल में लिख दीजिए। इसी तरह से 18 का करेंगे तो 2 निम्न 18, 3 3, अब 3 का जोड़ा बन गया, 3 को तो ऐसे लिख देंगे, और 2 का नहीं बना है, जिसका नहीं बना उसका वर्गमूल में लिख देंगे। 32 का 2 16, 2 8, 2 4, 2 दूनी 1 और 2 2 दूनी 4, तो जोड़ा बन गया है, जो जोड़ा नहीं बना उसको ऐसे कैसा। तो मैंने वर्गमूल 8 को 2 वर्गमूल 2 लिख दिया, वर्गमूल 18 को 3 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 32 को 4 वर्गमूल 2 लिख दिया है। अब इसे हम चेक करेंगे कि ap है या नहीं है। तो a₂-a₁, 2 वर्गमूल 2 - वर्गमूल 2, 2 में से गए 1 वर्गमूल 2, और तीसरे पद में से दूसरा पद घटेगा तो 3 वर्गमूल 2 - 2 वर्गमूल 2, 3 में से 2 गए 1, फिर वर्गमूल 2 बचेगा। इसी तरह से a₄-a₃ करेंगे तो ये भी कितना बचेगा, वर्गमूल 2, यहाँ लिख लेना आप। तो फिर वही लाइन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ak+1 - ak प्रत्येक दशा में वर्गमूल 2 के बराबर हैं, इसलिए ये एक ap है। और यहाँ सार्वंतर लिखना है तो सार्वंतर वर्गमूल 2 है। और अगले तीन पद, अगले तीन पद देखिए, 4 वर्गमूल 2 में 1 वर्गमूल 2 और जोड़ोगे तो 5 वर्गमूल 2 आएंगे, फिर वर्गमूल 2 और जोड़ोगे 6 वर्गमूल 2, फिर 1 वर्गमूल 2 और जोड़ोगे तो 6 और 1 7 वर्गमूल 2 आ जाएंगे। तो इनको जैसे हम पहले क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं उसी तरह से आपने राइट करना है। अब देखिए आगे 13वां पार्ट, वर्गमूल 3, वर्गमूल 6, वर्गमूल 9 और वर्गमूल 12।
एंड सो ऑन। तो यहाँ से वर्गमूल तीन, वर्गमूल छः को, वर्गमूल छः है इसको मैं 2 गुणा 3 का वर्गमूल कह सकता हूँ। 2 का अलग लगा दीजिए और 3 का वर्गमूल अलग लगा दीजिए। तो इसको लिख सकता हूँ वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3। वर्गमूल 9 को भी लिख सकता हूँ वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। 12 को लिख सकता हूँ वर्गमूल 4 गुणा वर्गमूल 3 एंड सो ऑन। तो a2 - a1, a2 क्या है वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 और a1 क्या है वर्गमूल 3। यहाँ से देखिए वर्गमूल 3 कॉमन आ जाएगा, वर्गमूल 2 - 1 है। अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा पद है वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 और दूसरा पद है वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3। इन दोनों में से वर्गमूल 3 फिर कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो ये वर्गमूल 3 - वर्गमूल 2 आया। अब इन दोनों परिणामों को हम कंपेयर करें तो क्या है, इक्वल नहीं है। देखिए वर्गमूल 3 तो इक्वल है, लेकिन ये दूसरा जो गुणनखंड है ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों परिणाम इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे a2 - a1 बराबर नहीं है a3 - a2 के, इसलिए दी गई सूची AP नहीं है। अब 15वां पार्ट बिल्कुल सिंपल है, 1 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर, 7 का स्क्वेयर और 73 एंड सो ऑन। 1 का स्क्वेयर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वेयर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वेयर 49 हो जाएगा और ये 73। इसमें मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सीधा रफी करके दिखा रहा हूँ। 25 में से 1 घटेगा 24 आएगा, 49 में से 25 घटेगा 24 आएगा, 73 में से 49 घटेगा 24 आएगा। तो हर बार क्या आ रहा है, अंतर समान आ रहा है, तो सारा अंतर कितना हो जाएगा 24। अगले तीन पद 73 में 24 जोड़ दें, फिर जो रिजल्ट आए उसमें 24 जोड़ दें, उससे अगला आ जाएगा, फिर उसमें 24 और जोड़ दें उससे अगला आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 97, 121, 45। इसका डिटेल आप लिख लेना, क्योंकि पहले हम काफ़ी लिख चुके हैं ये चीज़ें, आपको याद भी होगी होगी। अब इसका लास्ट, सॉरी, इसका 15वां पार्ट हमने पहले कर दिया, 14वां रह गया है। 14वां पार्ट अभी हम करते हैं। 14वें पार्ट में हमें दिया कि 1 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर और 7 का स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर 1 हो गया, 3 का स्क्वेयर 9, 5 का स्क्वेयर 25 और 7 का स्क्वेयर 49। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ अंतर कितना है, 9 में से 1 गए 8 और यहाँ अंतर 16 का अंतर आ गया। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये AP भी नहीं है। तो इसको इस तरह से लिख देना कि a2 - a1 इज़ नॉट इक्वल टू a3 - a2, इसलिए दी गई सूची AP नहीं है। तो लिखने का तरीका इस क्वेश्चन की तरह से होगा और बाकी मैंने आपको समझा दिया है। तो इस तरह से आप 5.1 प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल कर सकते हैं।